जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो आपने देख लिया होगा और हो सकता है इस पर हुई कार्रवाई का भी आपको पता होगा। ये वीडियो जो कि एमपी के एक किसान परिवार को पुलिस द्वारा मारा गया, यानी रक्षक ही बने भक्षक। इस वीडियो पर शिवराज सिंह चौहान जो वहां के सीएम हैं, उन्होंने वहां के एसपी और कलेक्टर को तबदला भी कर दिया है, यानी पनिशमेंट दिया है उनको। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। सेम यही कार्रवाई गुजरात के अंदर कल शाम को एक फौजी के साथ मारपीट हुई है। पांच छह पुलिस वालों ने मिलकर उनको मारा पीटा है और उनको गाड़ी में ऐसे डाल रहे हैं जैसे किसी आतंकवादी को डाला गया हो। फिर उस वीडियो को वायरल, खुद ही पुलिस वालों ने वायरल किया है और उसमें दिखाया गया है कि फौजी ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज की और इसलिए हम उसको उठाकर थाने ले गए। नहीं, उससे पहले की घटना नहीं दिखाई गई जो सरेआम बीच पब्लिकली फौजी को मारा पीटा, फिर उसको गाड़ी में सरेआम घेर रहे हैं जैसे एक मिलिटेंट को घेर रहे हैं, और फिर उसको थाने में ले जाकर मारा और अभी तक छोड़ा नहीं है। इसकी शिकायत वहां के कलेक्टर को, एसपी को कर दी गई है और वहां के जो डीएसपी हैं वो कह रहे हैं कि आज 11 बजे बाद फौजी को छोड़ देंगे, लेकिन वहां का नौकल थाना कह रहा है कि नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों वीडियो को मैं एक मद्देनजर रखते हुए वहां के एसपी और कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि जिस तरह जब ये किसानों का वीडियो वायरल हुआ और पुलिस की उसमें बर्बरता दिखाई गई, और फिर जब एसपी और कलेक्टर दोनों का ट्रांसफर हुआ और उनको पनिशमेंट के तौर पर वार्निंग दी गई, तब जाकर पुलिस वालों को निलंबित किया आपने, तो ये समय रहते इसी तर्ज पर आप पहले ही अगर आप खुद कार्रवाई कर दें फौजी को मारने वाले पुलिस को और जो उनके साथ ट्रैफिक पुलिस थे उनको सस्पेंड कर दें, तो एसपी साहब आपकी कुर्सी और कलेक्टर महोदय आपकी कुर्सी और आपकी इज्जत बची रहेगी, वरना फिर हम लोगों को वही उसके साथ आकर वायरल करना पड़ेगा। ऊपर गुजरात का ये मामला है, छोटा उदयपुर का, तो वहां गुजरात सीएम पर हमें फौजियों को जाकर धरना देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप पे भी गाज गिरेगी और फिर ये भी सस्पेंड होंगे। अपनी अकल दौड़ाओ, आज पुलिस कोरोना में अच्छा काम कर रही है। मैं ये वाला वीडियो जो फौजी का है, इस वीडियो के करीबन 10 मिनट या आधा घंटे बाद ही इसी चैनल रविंद्र फौजी XR में RTF में डाल रहा हूँ, जिस वीडियो में दिखाया गया है कैसे कि फौजी के साथ मारपीट की गई है। मैंने पूरा पूरी डिटेल भी बताई है, वो वीडियो थोड़ी देर बाद डालूंगा, उस वीडियो को भी देखें। और अभी इसमें मेरा डालने का मकसद यही था, एक किसान वाला वीडियो इसमें डाल रहा हूं। इस वीडियो को हो सकता है आपने देख लिया होगा, ये भी देखें। इस पे जो पनिशमेंट मिली है वो मैं आपको बता चुका हूं कि 6 पुलिस वाले निलंबित हुए हैं और जो एसपी और कलेक्टर का तबदला हुआ है। मैं सुहा जो SDM मौजूद था उसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए था। और मैं फिर कहता हूं कि जब एक पुलिस एक फौजी के साथ इस तरह के बर्ताव कर रही है, आम पब्लिक को इस तरह मार रही है, फिर एक किस काम की ऐसी पुलिस? पुलिस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है, कोरोना के समय ड्यूटी भी अच्छी कर रही है, लेकिन इस तरह के चंदे एक लोग हर डिपार्टमेंट में जो गंद होते हैं उसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बर्बाद बदनाम होता है। तो मैं चाहता हूँ एसपी साहब और जो अपने उदयपुर, छोटा उदयपुर के एसपी और DM साहब, समय रहते आप भी इन लोगों को पनिशमेंट दे दो, ऐसा ना हो कि ये आग फिर ऊपर तक जाए और फिर आप पर भी गिरे इसकी कांच। क्योंकि हमने कह दिया है कि अगर फौजी को छोड़ा नहीं गया, उस पर सारी धाराएं हटाई नहीं गई और पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर हम मां धरने पर बैठेंगे या उससे भी कुछ अलग जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। इसलिए फिर रिक्वेस्ट करता हूं, शांति से जो चीज निपटती है उसको शांति से निपटा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।